तो ये सबसे पहले जो ना सेल्फ के पास में ये लगा हुआ है, यहाँ कर एक बोल्ट होता है लंकी वाला, उसको खोल लेना। और इसमें एक बोल्ट 17 नंबर का बोल्ट को आपको कट करके उसको ग्राइंडर मार के ऐसे चोंच टाइप का बनाना होगा, जैसे ऊपर केम का होता है ना शिफ्ट उफ्ट में, वैसे बनाना है। और वो आराम से स्मूथली फंस जाएगा उस क्रैंक के बोल्ट के अंदर, क्रैंक में जो फंस जाएगा। ते हुआ क्रैंक की टाइमिंग, यहाँ देखो ये कट दिखाई दे रहा है ना। ओए कैमरा भैया सही से दिखाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे तुम्हारी शिकायत आ रही है कैमरे मैन की मैसेज में। यहाँ इस कट में जो है ना वो खांचा फंस जाएगा बोल्ट का। तो ये हमारा क्रैंक की टाइमिंग है सिर्फ, यहाँ क्रैंक की टाइमिंग होगी। तो इतनी क्रैंक की टाइमिंग है। और आगे पीछे हम केम की टाइमिंग दिखा देते हैं। और केम की टाइमिंग का लोकेशन ये रहा, आप इस तरीके से पीछे केम की टाइमिंग रख सकते हैं। ये प्रॉपर लोकेशन है, ये छोटे वाले और ये बड़े वाले का। इसमें हाई प्रेशर पंप लगेगा। तो ये अपना दो ही टाइमिंग है, कोई ख़ास टाइमिंग नहीं है इसमें। और रात का टाइम है भाई, अभी हमने कहा इमरजेंसी में बना ही लूँ जल्दी में, थोड़ा सा वैसे टाइम की तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। इसमें देखो वैक्यूम, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ना, इसमें वैक्यूम जो प्रेशर बनता है वैक्यूम का वो लगेगा। यही टाइमिंग है क्वांटो का, कोई बड़े खासकर डिफ़िकल्ट टाइमिंग नहीं है इसका, क्योंकि इसके आगे चैन में तो टाइमिंग होता ही नहीं है। इधर देखो ये टाइमिंग चैन नहीं है, इधर टाइमिंग चैन है पर इधर टाइमिंग चैन में कोई टाइमिंग नहीं है इसकी, बस ऐसे ही है। इसमें कोई ऐसी टाइमिंग नहीं दिख रही है चैन में, इसका टाइमिंग सीधा उल्टा ही है और दोनों साइड में ही है, ऊपर और नीचे आप वहीं से देख सकते हैं पीछे साइड से। और लगी गाड़ी में हो, हमने तो खैर इंजन कर रहा हूँ मैं इसका, पर लगी गाड़ी होगी, गाड़ी में ही लगा हो इंजन, तो फिर शीशे से देखा जाता ना उसकी टाइमिंग को। आपको दिखाई दिया वो लोकेशन, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, नाइट में हो सके तो अपलोड भी कर दूँगा, ज़्यादा एडिटिंग तो आजकल कर ही नहीं रहा हूँ वैसे भी। थैंक यू भाई, थैंक यू। और सब्सक्राइब करते रहिए।